सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो सो गाइस, मैंने काफ़ी टाइम बाद ये बेसिक ट्यूटोरियल आ रहा है। बीच में कुछ एडवांस ट्यूटोरियल डालने में बेसिक ट्यूटोरियल थोड़े रह गए। सो गाइस, पर हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं बेसिक, और कंप्लीट होके ही रहेंगे बेसिक ट्यूटोरियल। ये बेसिक ट्यूटोरियल कहीं नहीं जाने वाले हैं। ओके सो गाइस, जैसे ही हम लोगों ने लास्ट बेसिक ट्यूटोरियल हमारा एरे पे था, जिसपे हम लोगों ने पूरा का पूरा एरे ख़त्म किया था। सिंगल एरे मतलब जो सिंपल एरे होता है, मल्टी डायमेंशनल दोनों ख़त्म हो चुके थे। तो ये वीडियो, एक छोटा सा वीडियो मैंने सोचा कि बना देते हैं अभी के लिए, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करने ही वाला है। पर अभी के लिए थोड़ा सा टाइम बाउंड चल रहा है मेरा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक छोटा सा एक टॉपिक है वो कवर कर लेते हैं ये वीडियो में। तो ये वीडियो में हम लोग एक लूप कवर करने वाले हैं। तो हमारा, जैसे कि हम लोगों ने देखा था, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, ये तीन लूप होते हैं, और एक फोर्थ टाइप का भी लूप होता है, फॉर ईच लूप। तो उस टाइम पे मैंने क्यों कवर नहीं किया फॉर ईच लूप, क्योंकि फॉर ईच लूप को समझने से पहले हम लोगों को एरे समझना ज़रूरी होता है। अगर एरे, क्योंकि फॉर ईच लूप को हमारा स्पेशली कब यूज़ होता है, जब वो एरे में, एरे को हम लोगों को साथ, मतलब एरे के साथ हम लोगों को चेंज वेंज करना हो लूप के अंदर, तभी के लिए हम लोग ज़्यादातर फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं। ओके तो फॉर ईच लूप क्या है, कैसे काम करता है, वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो जल्दी से हम लोग ये वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, फॉर ईच लूप को यहाँ सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन। ओके तो जी, क्लियर हो गई है। तो फॉर ईच लूप को, फॉर ईच लूप के एक्चुअली में क्या होता है, तो उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले एक एरे को डिक्लेयर कर देता हूँ। तो एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, वो सब हम लोगों ने बेसिक ट्यूटोरियल ऑफ एरे में देख लिया है। ओके इंट, तो इंट और उसके बाद ए इक्वल टू, और यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर रहा हूँ, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके तो मैंने 5 नंबर से इनिशियलाइज कर दिया। अभी यहाँ पे प्रिंट करने के कौन से मेथड थे, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग प्रिंट कैसे करते थे इसको। तो वॉइड स्टार्ट, ओके तो वॉइड स्टार्ट लिखते थे, फिर अंदर फॉर लूप बना देते, इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड लेस देन, और यहाँ पे 5 है तो अभी के लिए यहाँ पे 5, और आई प्लस प्लस, सॉरी आई प्लस प्लस, और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, डिबग डॉट लॉग, और या इसकी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, डायरेक्ट ए आई। ओके तो ऐसे हम लोग सिंपली प्रिंट करा देते। ओके तो ये हमारा प्रिंट होता भी था। ओके तो अभी एक बार देख लेते हैं प्रिंट होता था वैसे, क्योंकि काफ़ी टाइम होगा वीडियो अपलोड किया हुआ, तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं हम लोग। ओके तो हम यूनिट में आके, जैसे मैं प्ले बटन को प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट हो चुके। ओके तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ये देखा हुआ है। ओके तो हम लोग इसमें फॉर ईच लूप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो फॉर ईच लूप का सबसे पहले सिंटेक्स समझते हैं क्या होता है। तो फॉर, जैसे हम लोग फॉर लूप को क्रिएट करते हैं वैसे ही करना है। तो इसमें क्या करना है, हम लोग फॉर लूप में फॉर लिखते थे, यहाँ पे लिखना है फॉर ईच। ओके हर एक के लिए, तो ओके तो फॉर ईच हो गया। और फिर हम लोग क्या करना है कि पहले बता देता हूँ आपको, इंट ए इन ए। ओके तो अभी यहाँ पे हुआ क्या है पहले समझते हैं। तो इंट ए नहीं लिखते हम लोग, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे ए दो दो ए में। ओके तो यहाँ पे हम लोग, मैंने यहाँ पे क्या किया है, फॉर ईच लूप मतलब फॉर ईच हर एक के लिए, किसके हर एक के लिए, ए के हर एक के लिए, मतलब ए एरे जो है उसके अंदर हर एक जो एलिमेंट है उसको हम लोगों को किस में स्टोर करना है, टेम्प के अंदर। ओके मतलब ये हर एक बार ये लूप चलेगा, तब तक ये हर एक एलिमेंट, हर एक ए के एलिमेंट को ये स्टोर करता रहेगा अपने अंदर। ओके तो यहाँ पे हम लोगों को करना है डीबग डॉट लॉग, और सिंपली हम लोगों को क्या, टेम्प प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं टेम्प प्रिंट करूँगा, तो ऑलरेडी वो सारे का सारा एरे प्रिंट हो जाएगा अपने आप। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, हम लोगों को यहाँ पे कोई आई वाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, एक इंट टेम्प और फिर इन किसके अंदर, तो ए के अंदर। ओके तो ऐसे एक सिंपल है सिंटैक्स है इसका, तो ये बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम लोगों को प्रिंट करा देना है टेम्प को सिर्फ। ओके तो इसको सेव करके हम लोग यूनिटी में चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर लिया, और फिर ऐसे ही रन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 सिंपली प्रिंट हो चुका है। ओके तो यहाँ पे आपके पास आई है कि नहीं उसका कोई मैटर नहीं है, आप सिंपली इसमें जाके आप कर सकते हो। ओके तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ओके तो
इसमें आपका आई मैटर नहीं करना, मतलब सॉरी लेंथ कितनी है आप वो मैटर नहीं करेगी, क्योंकि हम लोगों को लेंथ वैसे क्या, फॉर लूप जब रन करोगे तो आप कोई भी एक लिस्ट में रन करोगे, तो आप कोई भी एक एरे में रन करोगे तो आप उसके उसकी लेंथ चाहिए। पर फॉरिच लूप क्या है, उसके अंदर आपको कोई लेंथ नहीं चाहिए, इसमें सिंपली आपको लिख लेना है इंट, मतलब आपका इंट की जगह यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप है वो लिखना पड़ेगा। अभी इनके जगह यहाँ पे मैं फ्लोट होता यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे फ्लोट करता, तो यहाँ पे अभी ट्राई कर देते कैरेक्टर को लेकर, चार को लेके करते हैं, तो चार, तो यहाँ पे एरर आ चुकी है। तो ए बी सी डी और ई ओके, तो ये मैंने पांच यहाँ पे किया, सिंपली मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा, वरना मैं ये रख सकता हूँ। ओके ये रख सकता हूँ, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने जो कैरेक्टर का डिटेल में वीडियो बनाया था, मतलब सारे जो डेटा टाइप्स है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप ए को इंट के टाइप में आप डिक्लेयर करोगे तो वो उसका कुछ वैल्यू होती है, ए की 97 वैल्यू होती है, आई गेस, हाँ 97 वैल्यू को वो प्रिंट करेगा। ओके तो वो वीडियो को यहाँ पे प्रिंट करेगा, पर हम लोगों को वो नहीं करनी है, हम लोगों को चार ही प्रिंट करवाने। ओके तो चार मैं सिंपली करूँगा, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ सबसे पहले इसको, और फिर रन करूँगा, तो यहाँ पे ए बी सी डी ई तक प्रिंट हो चुका है। ओके तो ये हमारा होता है फॉर लूप। ओके तो अगर मैं उसको इंट भी रखता तो अभी वो प्रिंट तो करवाता ही, जैसे कि यहाँ पे मैं इंट रखता तो वो उसकी असाइन वैल्यू, उसकी असाइन वैल्यू कुछ प्रिंट करवाता है। ओके तो आप चाहो तो उसका एक टेबल होता है, आई गेस उसका एक पर्टिकुलर एक टेबल होता है, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। तो अभी मैं क्लियर है ऑलरेडी, और प्रे प्रेस किया मैंने, तो यहाँ पे 97, 98, 99, 100 और 101, ये सारी उनकी एक वैल्यू होती है। ओके एक असाइन असाइन वैल्यू आई गेस ऐसा कुछ नाम था, आई गेस मुझे ना एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, और ये उनकी वैल्यू होती है। ओके तो मतलब ए की वैल्यू 97, 98, 99, 100 और 101, ये वैल्यू होती है, मतलब ए जो स्मॉल लेटर होता है ए और बिग लेटर होता है ए, दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। तो स्मॉल लेटर होता है उसकी 97 से शुरू होती है और फिर जेड तक आगे तक जाती है। ओके तो ये होती है उसकी असाइन वैल्यू, आई गेस कुछ ऐसा ही था, ए एस वाई एन एस था। ओके तो ये सिंपली हमारा एक फॉरिच लूप होता है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको मैंने एक सिंपल सा एक फॉरिच लूप मैंने समझा दिया। मैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई भी एक एरे के अंदर ट्रैवल्स कर रहे हो। ओके तो ये वीडियो को हम लोग इतना रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय बाय।